बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टक टीवी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? किधर बिजी हैं आप, नज़र ही नहीं आते। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। अच्छा उम्र पर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कब जा रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ठीक है सलमान भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी उम्र के लिए अप्लाई करूँ। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बस वो काफ़ी दिनों से बात नहीं थी तो मैंने कहा आपको कॉल कर लूँ कि आपसे बात हो जाए। चलो अल्लाह ताला आपका उम्र कबूल करे, तो मैं भी इस बारे में सोचता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सलमान भाई तो बहुत लकी हैं, उम्र पर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी जाना चाहिए। देखो तुम मत जाओ उम्र पे, अपने पैसे मत जाया करो। देखो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बाद में हज पे चले जाना। अभी तुम अपने पैसे जमा करो, अपने पैसे जमा करो, मत जाओ, अभी तुम्हारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अभी मत जाओ उम्र पे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जाओ घूमो फिरो खेलो। अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है, मत जाओ अभी उम्र पे, यही पैसे कहीं और लगा दो। यार समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, उम्र पर जाऊं कि ना जाऊं, मुझे जाना तो चाहिए क्योंकि फिर बात का पता नहीं होता है, हम लेट करते रहते हैं, कल जाएंगे, इस तरह ज़िंदगी के कई साल चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं अभी एजेंट के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मेरे लिए उम्र का काम करें। ये सही है, मत जाओ। कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। मैं अक्सर ही यादों में काबे को पहुंचा, कई हो के आए हैं देखो वहां से, के कितना हूँ तड़पा मैं, कितना हूँ रोया, कि मैं सिर्फ जा ही न पाया यहाँ से। कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी संग अस्वद का बोसाता हो, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। हे बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, ज़ियारत धर्म की है कितनों ने कर ली, करूँ कैसे मैं वो लबों से बयां, तेरी अब निगाहें करम हो यहाँ। कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी संग अस्वद का बोसाता हो, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। कई लोग जाते हैं ऐसे हरम को, सुना है वहाँ पर के हज हो रहा
कि जैसे हरम हो कुछ ही कदम को, ये परवाना सुनकर यहाँ रो रहा है। कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी संग अस्वद का बोसाता हो, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। बड़ा खूब उनका मुकद्दर है मौला, बुला ले खुदाया इसे भी हरम में, ये औकात वैसी है मेरी कहां, लगी आग दिल की बुझा दे वहां। कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी संग अस्वद का बोसाता हो, कभी मैं भी काबे की चादर को चूमूं, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का मैसेज ये है, जब भी आपको उम्रा करने का ख्याल आए तो फौरन उम्रा कर लेना चाहिए अगर आप इसकी इस्तेआत रखते हो, क्योंकि उम्रा करने की बहुत बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा उनके दरमियान होने वाली कमी, कोताही, गलती या गुनाह का कफारा है। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। दूसरी हदीस शरीफ में है, रमज़ान में उम्रा अदा करने से हज के बराबर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है। यह हदीस शरीफ सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। नाज़रीन, आज की वीडियो है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।